हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखें मेरे हाथ में क्या है, कॉटन। और इसी कॉटन से मैं बालों के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है और ये यहाँ पे मैंने कटोरी में सरसों का तेल डाल दिया है। और इस कॉटन को हमें एक बत्ती बना लेनी है और इसको सरसों के तेल में डिप कर दिया है। इसको डिप करने के बाद में इसमें से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हमें निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी बनकर तैयार होगी और ये वाइट बालों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, एकदम से काला कर देती है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रही हूँ, निकाल दिया है। और उसके बाद में इसे मैंने एक कटोरी में रख दिया है। उसके बाद में मुझे इसको जलाना है, तो यहाँ पर मैं एक माचिस से इसको जला करके इसे जला दूंगी और इसको पूरी तरह से हमें इसको जला लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये इतनी अच्छा तरीका है, जितने भी वाइट बाल हैं उनको आप तुरंत काला कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी केमिकल के। और आप भी जब आप ये रिजल्ट देखोगे अपने बालों पे अप्लाई करके, तो आप भी खुश हो जाओगे कि वाह, कितने अच्छे बाल हो गए, एक भी वाइट बाल आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, जो हमारी बत्ती है उसको मैं जला रही हूँ। इसको हमें चम्मच से इस तरह से इधर उधर करके पूरी तरह से जला देना है, हाथों से नहीं पलटना है, नहीं तो हाथ जल सकते हैं क्योंकि ये गर्म है। तो आप इसको इस तरह से जलाते हुए, और जब ये पूरी तरह जल जाएगी और इसको ठंडा करके मैं आपको बताऊंगी कि इसको बालों में किस तरह से अप्लाई करना है कि हमारे बाल इसको लगाते ही एकदम से जितने भी वाइट बाल है वो काले हो जाएंगे। तो आप, मैंने यहाँ पे एक ही बत्ती बनाकर आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा वाइट नहीं है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ज़्यादा बत्ती बना कर रख सकते हैं। जब जितने आपके बाल ज़्यादा वाइट है तो आप इसको ज़्यादा बत्ती बनाकर इस तरह से जलाकर रख लीजिए। तो मेरे कम वाइट बाल है तो मैं एक ही बत्ती से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बत्ती पूरी तरह जल गई है। तो मैं पहले आपको हाथ पे ही अप्लाई करके बताती हूँ। देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है और ये देखिए कितना अच्छा काला कलर आता है इसका। और आप इसको लगाएंगे तो आप भी देखेंगे कि कितना अच्छा कलर आएगा, जितने भी आपके वाइट बाल है, ग्रे बाल है, सारे कवर हो जाएंगे। और ये जब तक आप इसको शैम्पू नहीं करेंगे अपने बालों को, तब तक ये नहीं निकलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे इसको गीला करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, कटोरे में पानी लिया और मैं इस पर पानी भी डाल रही हूँ, फिर भी ये नहीं छूट रहा है। तो इसी तरह से अगर आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, जितने भी वाइट बाल है, तो सभी आपके वाइट बाल काले हो जाएंगे। और आप जब तक शैम्पू या कोई भी साबुन वगैरह नहीं लगाओगे तो जब तक ये आपके बाल काले ही रहेंगे। तो देखिए, मेरे बाल ना कुछ ही वाइट हुए हैं, तो मैं इस पर आपको अप्लाई करके बताती हूँ। मैं जो भी रेमेडी बनाती हूँ वो अपने ही बालों पे, अपने ही स्किन पे, उस पर अप्लाई करके ही, जब रिजल्ट अच्छा आता है तभी मैं उसको अपलोड करती हूँ वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो कॉटन सरसों के तेल में डिप करके जलाया था और उसको ठंडा करके इस तरह से जितने मेरे वाइट बाल है उस पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो आप भी अगर अपने वाइट बालों को काला करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, आप जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों को। जितने भी वाइट बाल हैं आपके तुरंत काले हो जाएंगे। आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही इसमें कोई केमिकल डाला है, ना ही इसमें कोई डाई है। तो आप इसको तुरंत बना कर लगा सकते हैं। अगर आपके बाल वाइट हैं तो आप इसको, जैसे आप इसको लगाएंगे वैसे ही आपके बाल काले होते जाएंगे। और जब तक आप अपने बालों में शैम्पू नहीं करेंगे तब तक ये आपके बालों पे लगा ही रहेगा। तो जैसे अब सर्दियां हैं तो बालों में जब वाइट बाल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, केमिकल लगा लेते हैं, कोई भी कलर लगा लेते हैं, तो उससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। और अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो उसमें ऑरेंज सा कलर आ जाता है, और मेहंदी को भी हमें काफ़ी देर तक लगाना पड़ता है जो कि बहुत ठंड लगती है। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया और हाथ पे भी नहीं आ रहा है। तो जब तक इसमें शैम्पू नहीं लगेगा या साबुन नहीं लगेगी तब तक ये कलर नहीं उतरेगा। तो आप इस तरह से अपने वाइट बालों को कवर कर सकते हैं ब्लैक में। तो इस तरह से आप ये बत्तियाँ जला करके कॉटन को सरसों के तेल में डिप करके जला के ठंडा करके आप इनको रख लीजिए। जब आपको वाइट बाल को काला करना हो तो आप इसको अपने बालों पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आती हूँ, हेयर स्टाइल लेकर आती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आकर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बालों को लगा लिया है और ये देखो हाथ में लगा रही हूँ फिर भी ये नहीं छूट रहा है। तो जब तक मैं इसमें शैम्पू नहीं करूँगी अपने बालों को तब तक ये बालों में लगा रहेगा। जितने भी वाइट बाल है सब कवर हो जाते हैं, तो इसको कोई लगाने में झंझट भी नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।